हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीएड सेम वन का सिलेबस डिस्कस करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में बीएड सबसे पहले तो 2 साल की होती है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है। तो हम इसमें फर्स्ट सेम का सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर द सेशन 2022। तो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे मार्किंग स्कीम होती है, क्या क्रेडिट है। तो आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी नंबरिंग होती है एज अ कोर्स नंबर 101, 102, 103, 104 एंड 105। जो हमारा 101 है वो एजुकेशन इन इंडियन परस्पेक्टिव है, इसका क्रेडिट 4 होता है। इसके लिए भी आपको एक सेशनल फाइल बनानी होती है। सेशनल फाइल्स के बारे में, सेशनल फाइल्स के टॉपिक क्या होते हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में समझा दूंगी। इस टाइम सिर्फ हम सिलेबस से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ का एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा है कि आपको 16 मार्क्स का पेपर आता है, 6060 एक्सटर्नल के लिए, और 40 मार्क्स हमारे होते हैं इंटरनल के। इसमें हमारे 5+5 ये इंटरनल असेसमेंट होती है 10 मार्क्स की। उसके बाद एक इंटरनल जो होते हैं हमारे सेशनल फाइल के, वो 20 मार्क्स होते हैं, और 10 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल होते हैं सेशनल फाइल के। इन सब का टोटल करके पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, उसका नाम है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एजुकेशन। इसका सेशनल वर्क मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक मैंने APJ अब्दुल कलाम की और दूसरी मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऑटोबायोग्राफी को अपलोड किया है ऑलरेडी चैनल पे। तो ये सब्जेक्ट भी सिमिलर है फर्स्ट सब्जेक्ट की तरह, 4 क्रेडिट हैं, 60 मार्क्स का पेपर होगा और सेम ही इंटरनल स्कीम है। थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा 103 है, उसका नाम है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका भी सिमिलर पैटर्न रहेगा। आगे है 104, उसका नाम है एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये भी सिमिलर ही है, 4 क्रेडिट 60 मार्क्स के साथ और 40 इंटरनल। और लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है 105, उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे आपको एक इंटर्नशिप फाइल दिख रही होगी लास्ट में, स्कूल इंटर्नशिप। इसको मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूँगी क्योंकि ये एज अ सेशनल वर्क और प्रोजेक्ट फाइल में इंक्लूड होता है। तो ये हम कल की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस जो है एजुकेशन इन इंडियन परस्पेक्टिव। कोर्स नंबर है इसका 101, टोटल 100 मार्क का सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया 60 एक्सटर्नल मार्क हैं और इंटरनल मार्क्स 40 हैं। तो इसमें 24 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 60 में से पास होने के लिए। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो हमारा यूनिट 1 है द बेसिस ऑफ टीचर इन एजुकेशन। ये न्यूली सिलेबस मैंने किया है, सिलेबस में चेंजेस आई थी, तो कोई पुराना सिलेबस मत देख लेना। तो मैंने न्यू सिलेबस ही बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि नॉलेज क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ विज एंड विज विद्या, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंडिगियस नॉलेज क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एजुकेशन क्या है इंडियन में, डिफरेंस इन प्रेजेंट एजुकेशन सोसाइटी एंड द वैदिक एजुकेशन सोसाइटी क्या है, रोल एंड द प्लेस ऑफ अ टीचर इन डिवेलपिंग द पंचमुखी एंड द होलिस्टिक पर्सनैलिटी क्या है, रूट्स ऑफ अ टीचर एजुकेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ गुरुकुल, मदरसा, मकतबाज क्या है, और मिशनरी स्कूल एंड द रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं। ये हमारा एक फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट हमारा फिलॉसफी पे बेस है। इसमें है कि एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, क्या नेचर है उसकी, क्या स्कोप है फॉर इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी बोथ, व्हाई सब्जेक्ट ऑफ एन एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू बी अ टीचर। अब फिलोसफिकल कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है उसकी, ब्रांचेस क्या है फिलोसफी की, स्कोप क्या है फिलोसफी का एजुकेशन में, इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ टीचर। फिर है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन एंड द लिबरल डिसिप्लिन। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ अ टीचिंग, डिफरेंस बिटवीन भारतीय शिक्षा एंड द वेस्टर्न एजुकेशन। और फिर है हमारा प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ये इसी टॉपिक के अंदर आते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड यूनिट पे, वो है एजुकेशन और साइकोलॉजी से रिलेटेड।
अब फिर उसमें है कि साइकोलॉजी का क्या कंसेप्ट है, क्या नेचर है, क्या ब्रांचेज हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, और एजुकेशन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इन टीचर एंड द एजुकेशनल प्रोसेस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन साइकोलॉजी और क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेलिटी, प्री रिलेशनशिप, सर्टिफिकेशंस एंड डिवेलपिंग द टीचर रिस्पॉन्सिव इन रिलेशन टू द सोसाइटी एंड इट्स कॉजेज। और इसमें आपको स्वच्छ भारत अभियान और पल्स पोलियो भी पढ़ना है, और भी एक सेक्टर है, तो ये कुछ आर्टिकल्स भी इसमें आपने पढ़ने हैं। अब है हमारा फोर्थ यूनिट, वो है टीचर एंड द चेंज इन सोसाइटी। यहाँ पे है एजुकेशन एज एजेंसी इन द चेंज ऑफ अ सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, क्रिटिकल असेस ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन द कम्युनिटी, पार्टिसिपेशन इन द कल्चर चेंज इन फॉर द टेक्नोलॉजी अडेप्शन, सोशो कल्चर इम्प्रिंट्स इन द टीचिंग प्रोफेशन एंड हाउ द टीचर प्रोफेशन इन इंडिया इज अ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द डीकॉलोनाइजेशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इशू इन द चैलेंजेस। ये है हमारे चार यूनिट। इसका सेशनल वर्क क्या होगा, या जिसको हम फाइल वर्क, फील्ड वर्क कहते हैं, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे सारा। अब हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एजुकेशन। ठीक है, तो इसके फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि डेवलपमेंट क्या होती है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मीनिंग क्या है ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल क्या है डेवलपमेंट के, रोल क्या है टीचर का इन फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है उसका कंसेप्ट लिखना है, उसके डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं, रोल ऑफ हेरिडिटी लिखना है, जीन्स एंड द क्रोमोजल डिसऑर्डर के बारे में, एंड एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, पेरेंटल एंड इन्फेंसी स्टेजेस क्या हैं, मीनिंग क्या है उनके, करेक्टरिस्टिक क्या है और हैजार्ड क्या है, ये सभी स्टेजेस के आपने लिखने हैं। सेकेंड यूनिट है हमारा अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर, उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपको, प्रॉब्लम लिखने हैं, हैजार्ड लिखने हैं, फिर है लेट चाइल्डहुड, उसमें उसके भी करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम और हैजार्ड्स लिखने हैं, फिर है हमारी थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डिवेलपमेंट। तो पहली है हमारी साइकोलिस्टिक चाइल्डहुड चाइल्ड डिवेलपमेंट थ्योरी एंड द एरिक्सन स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड यूनिट में है हमारा एडोलेसेंस स्टेज के बारे में, पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या होती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, स्पेशल करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, प्रॉब्लम एट एडोलेसेंस स्टेजेस क्या होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, पीएजे की थ्योरी पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बेसिक टेंडेंसीज इन थिंकिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है पीएजे की थ्योरी का, फिर उसकी एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, फिर वेगस्ते की सोशल कल्चर प्रस्पेक्टिव सोशल रिसोर्सेज थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी इंडिविजुअल थिंकिंग क्या है, कल्चरल टूल क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे हेल्प की, रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्राइवेट स्पेस, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और लिमिटेशन और एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन, ये हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम चलेंगे हमारे, ये थर्ड यूनिट मुझसे रिपीट हो गया, अब हम जाएंगे फोर्थ यूनिट में। तो यहाँ पे है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब है कि कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, उसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर, बायोग्राफीज और कम्युनिटी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल नेबरहुड एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ टेक्नोलॉजी लिखना है। ये मेन पढ़ने हैं आपको, एक्स्ट्रा पढ़ लो तो कोई बात नहीं, बट ये तो पढ़ने हैं कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फिर आपको मार्जिनाइजेशन एंड द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, क्या फैक्टर हैं जो लीड करते हैं मार्जिनाइजेशन को और उसके इफेक्ट को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और रोल ऑफ टीचर और मीडिया क्या है इन रिमूविंग द डिसपार्टीज इन द सोसाइटी। तो ये हमारा 102 का सिलेबस था। अब हम मूव करते हैं 103 पे, उसका नाम है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज एंड द कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका यूनिट 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है। सेकंड है इसमें हमारा लैंग्वेज और सोसाइटी, लैंग्वेज एंड जेंडर, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड पावर, देन लैंग्वेज इन स्कूल, होम लैंग्वेज क्या है एंड द स्कूल लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगला है लैंग्वेज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट एंड द लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ लर्निंग एंड अ कम्युनिकेशन और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। आगे है सेकंड में हमारा पोजीशन ऑफ अ लैंग्वेज इन इंडिया, तो इसमें क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, पॉलिसीज क्या है लैंग्वेज एजुकेशन की, ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है विद अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू द लैंग्वेज एजुकेशन,
फिर आपको पढ़नी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF विद स्पेसिफिक रेफर टू द लैंग्वेज एजुकेशन। तो लैंग्वेज एजुकेशन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस आउट करना है। फिर है हमारा थर्ड यूनिट, इसमें है लैंग्वेज की टीचिंग। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग एज पर द कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जॉन डीवे एंड जॉन पेजेट की थ्योरीज पढ़नी है। फिर आपको इसमें हमें पढ़ना है नेक्स्ट मेथड ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग। तो ये इसमें आपको डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल, टेक्स्ट बुक, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को पढ़ना है। फिर अप्रोचेज होती हैं डिफरेंट, वो होती हैं स्ट्रक्चरल और द सिचुएशनल अप्रोच होती है लैंग्वेज लर्निंग की, उसके मैरिट और डीमेरिट करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ यूनिट पे, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। इसमें आपने पढ़ना है कम्युनिकेशन क्या है, कंसेप्ट, चैनल और लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ अ कम्युनिकेशन। फिर एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज स्किल फॉर कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सब स्किल्स ऑफ अ लिसनिंग, मटीरियल एंड रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग द लिसनिंग एंड द स्पीकिंग स्किल, स्टोरी टेलिंग क्या है, डायलॉग क्या है, रोल प्ले क्या है, सिमुलेशन क्या है, स्पीच क्या है, गेम क्या है, गेम्स एंड द कॉन्टेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होती है, उसकी पिक्चर्स, ऑथेंटिक मटीरियल एंड द मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। फिर है रीडिंग और राइटिंग के बारे में, उसकी भी आपको सब स्किल्स पढ़नी है रीडिंग और राइटिंग की। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग में क्या डिफरेंस है, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इनकी डिफरेंसेज भी देखनी है। स्टडी स्किल्स यूजिंग थ्रेजर्स डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट था, इसके बाद सेशनल वर्क हम इसका भी अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर, फोर्थ सब्जेक्ट में, जिसका नाम है एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये है 104। इसमें है हमारा फर्स्ट यूनिट एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप क्या होती है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप क्या है, गाइडेंस ऑफ द लीडरशिप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर एजुकेशन, लीडरशिप की थ्योरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेंसीज और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और पर्ट PERT, ये आपने पढ़ने हैं इसके अंदर। सेकेंड यूनिट पर चलते हैं, इसमें आपको अप्रोचेज टू एजुकेशन मैनेजमेंट देखनी है, प्रिंसिपल्स देखने हैं, अडॉप्टेबिलिटी देखनी है, लिमिटेशन इज द इंडियन एजुकेशन सेटअप देखना है, अब ट्रेड बेस्ड देखना है, बिहेवियरल बेस्ड देखना है, सिचुएशनल बेस्ड अप्रोच देखनी है, कॉन्टीजेंसी अप्रोच देखनी है और WICS मॉडल देखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अब हम थर्ड यूनिट पे चलते हैं, ये है TLM इन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक सो, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। फिर इसमें ह्यूमन एंड मटेरियल क्या है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अ टाइम शेड्यूल फॉर अ टीचर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डेली, वीकली, मंथली डायरीज क्या है, accepts of a principal and the useful yearly and monthly plans of the institutional work. अब है हमारा अगला पार्ट इसका, इसमें है मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेज, स्कूल की बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लैब्स, हॉस्टल और प्लेग्राउंड। फिर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटरपर्सनल एंड द इंटर ग्रुप रिलेशन, नीड्स एंड उसके प्रिंसिपल, टीचर टॉट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद हेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर कंसेप्ट ऑफ TQM इन एजुकेशन एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स इन ऑफ द एजुकेशन। अगला है फोर्थ यूनिट, वो है माइक्रो प्लानिंग। ये है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड द मैक्रो प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर एंड द ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। फिर स्कूल मैप नीड एंड अ फैक्टर, डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग द बजट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इश्यूज एंड द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग द बजट, रिसोर्सेज एंड फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी और कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट एनालिसिस। ये था हमारा फोर्थ यूनिट। अब हम चलते हैं फिफ्थ सब्जेक्ट पे, इसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, कोर्स नंबर है ये हमारा 105। सो इसमें फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका मीनिंग, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रोग्राम्स, बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, डिमेंशन फॉर अ सक्सेसफुल इंक्लूजन, सेंस ऑफ अ कम्युनिटी और द सोशल एक्सेप्टेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ अ स्टूडेंट डाइवर्सिटी, अटेंशन ऑफ टू द करिकुलर नीड्स एंड आफ्टर दैट है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड द इंस्ट्रक्शन एंड द पर्सनल सपोर्ट, प्रिपेयरिंग टीचर एंड स्टूडेंट्स फॉर द इंक्लूजन एंड कोलैबोरेशन विद फैमिलीज ऑफ अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन।
सेकेंड यूनिट में आपने पढ़ना है स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, क्या कंसेप्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड थी स्पेशल एजुकेशन की, और हिस्ट्री क्या है स्पेशल एजुकेशन की, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, मीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, एजुकेशनल प्रोविजन क्या है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए, और कैसे उनकी प्लेसमेंट सर्विसेज होती हैं स्पेशल चिल्ड्रन की। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल ऑफ इंटेक्चुअल डिसेबल, मेंटली रिटार्डेड क्या होते हैं चिल्ड्रन, उनका क्या मीनिंग है, क्या क्लासिफिकेशन है, एंटोलॉजी पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे उनकी इंटेक्चुअल रिटार्डेशन की, एजुकेशनल प्रोविजन क्या है इंटेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन के लिए। फिर हम पढ़ेंगे बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या करेक्टरिस्टिक है, क्या एंटोलॉजी है, क्या आइडेंटिफिकेशन है उनको बैकवर्ड चिल्ड्रन को देखने की, और एजुकेशनल प्रोविजन क्या दिया गया है बैकवर्ड चिल्ड्रन को। फिर हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ यूनिट में, जिसमें हमारा रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है और PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में है। फिर इसमें फोर्थ में पूछा गया है रोल ऑफ पेरेंट क्या होता है, प्री ग्रुप्स क्या होते हैं, टीचर्स, कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड द एंड पॉलिसी मेकर्स टूवर्ड द इंक्लूजन, इन सब का क्या रोल होता है। तो ये थे हमारे 5 सब्जेक्ट जो बीएड फर्स्ट सेम में आप सबको पढ़ने हैं एज अ थ्योरेटिकल। इसका 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा और 40 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, जिसमें आप अपने इंटरनल पेपर दोगे विद सेशनल फाइल्स बनाओगे, और उसमें ही आपके सेशनल के इंटरनल के नंबर भी इंक्लूड होंगे, एक्सटर्नल के नंबर भी इंक्लूड होंगे। तो 60 मार्क्स में से आपको 24 मार्क्स चाहिए पास आउट होने के लिए। तो पेपर का पैटर्न भी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, इसमें से कैसे पढ़ के जाना है कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, अगर किसी को कोई पार्ट छोड़ना है तो कौन सा पोर्शन सिलेबस का छोड़ के जा सकता है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे, वो सब हम आगे धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे। कल मैं आपके साथ आपका न्यू सेशन का एकेडमिक कैलेंडर भी शेयर करूँगी, जिसमें बताया गया होगा कि कब आपका फाइल वर्क चेक होगा और कब आपके एग्ज़ाम होंगे। सो फर्स्ट सेम के लिए मैं वो शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंकिंग यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।